धर्म लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना, और आज हम बात करने वाले हैं बुध गोचर के राशिफल के बारे में। बुध गोचर होगा अपनी ही स्वराशि में यानी कि मिथुन में जेमिनाई में जून 24 को। देखिए बुध यानी कि ग्रहों का राजकुमार जो है ना, वो हमारी छोटी बहनें और छोटी कन्याओं को भी ना बुध का प्रतीक माना जाता है। ये लाता है हमारे लिए वाक चातुर्य यानी कि लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करने की कैपेबिलिटी। ऐसे में अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं या फिर बिजनेस या मार्केटिंग में हैं तो ये ग्रह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस और बाकी मौके भी लाता है। ऐसे में जब इस ग्रह का होगा गोचर तो किन खास राशियों पर पड़ेगा प्रभाव, आइए बताते हैं। और आपकी राशि इसमें है या नहीं ये जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। एरीज यानी कि मेष राशि, इस गोचर में आपको करियर में उछाल जो है वो मिलेगा। अगर आपने काम के लिए आप रिकॉग्निशन चाहते थे या किसी अवार्ड के लिए आप काम कर रहे थे तो वो मिलने की आपको संभावना है। इस बार स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा और आप अपने मन मुताबिक परिणाम जो है वो पाएंगे। बिजनेस के लिए भी ये गोचर जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। मिथुन यानी कि जेमिनाई, अपनी राशि मिथुन के लिए भी बुध गोचर जो है वो काफी अच्छा प्रभाव जो है वो डालेगा। हालांकि इस समय आप लोग थोड़ा सा ना हवाई किले बनाने में ज्यादा समय बिता सकते हैं, ऐसा ना करें, काम की तरफ ध्यान दें। आपकी वाणी आपका साथ देगी और पार्टनरशिप के भी आपको अच्छे योग जो है वो मिलेंगे, अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। किसी नई जगह पर यात्रा के भी योग आपके हैं। कन्या यानी कि वर्गो राशि, आपकी राशि का स्वामी आपके लिए प्रेम संबंधों में खास प्रभाव डालेगा अपने गोचर के साथ। शादी या रिश्ते में कोई मामला अगर अटका हुआ था तो वो अब सुलझेगा। घर में माहौल जो है वो काफी अच्छा रहेगा और बच्चों और दोस्तों संग अच्छा समय जो है आप बिता पाएंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जो है वो भी आपकी मजबूत होगी। हालांकि इस समय आवेश में आकर ज्यादा खर्चा जो है वो मत कर लीजिएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए भी ये गोचर जो है कुछ खास चीजें ला रहा है। नौकरी में अगर बढ़त ढूंढ रहे थे या चेंज की सोच रहे थे तो बात अब जो है आपकी आगे बढ़ सकती है। जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी में जुटे थे उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा ये। आपका मन जो है वो धार्मिक विचारों की ओर भी जाएगा और मन में पुराने असमंजस जो चल रहे थे वो भी शांत होंगे। तो ये बताया मैंने आपको कि बुध का गोचर जो है वो किन राशियों के लिए होगा बहुत ही भाग्यशाली। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।